चलिए सब शुरुआत करते हैं। तो हम जो डिस्कशन करेंगे पालो ऑल्टो में, इसमें SD1 के अंदर पहला के अंदर, उसके अंदर जो सिलेबस है वो दो तरीके का सिलेबस बनाया गया है, जो क्लास के बाद में आपको डिस्प्ले कर दूंगा। और दो तरह के डायग्राम है। SD1 के पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें लेके चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो। सारे लोगों ने, जितने भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने CCN भी सबने कर रखा है इसमें, या किसी ने NA भी किया हुआ है? सारे स्टूडेंट ने NP कर रखा है या किसी ने NA किया हो तो बताओ मेरे को। DMVPN के कुछ कॉन्सेप्ट याद हैं किसी को, या रिफ्रेश करवाओ पहले, क्योंकि इसका रिलेशन DMVPN के साथ में भी है कुछ। सर थोड़ा रिफ्रेश करा दीजिए। ठीक, आपकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, कौन बोल रहे हैं? मैं दीपक बोल रहा हूँ। अच्छा दीपक, तो आप तो NPNP किया था आपने? हाँ जी हाँ जी, अभी पालो ऑल्टो भी गया था कुछ दिन, लेकिन सर टाइम नहीं मिला, फिर बंद कर दिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हमेशा से लेके ज्वाइन कर लेना। लली से तोड़ तो दे इसको, अपने अपने माइक्रोफोन को बंद कर दीजिए प्लीज। चलिए शुरुआत करते हैं। तो SD1 की तरफ हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम चलते हैं VPN मॉडल के बारे में। अपने अपने माइक्रोफोन बंद कर लें। आदिल खान माइक्रोफोन को ऑफ कर लीजिए। जी सर, VPN मॉडल की अगर हम स्टडी करते हैं, एक किताब हुआ करती थी, आवाज सबको ठीक आ रही? हाँ जी सर। एक किताब हुआ करती थी, फंडामेंटल ऑफ MPLS, और ये बहुत ही अच्छी किताब थी, और इसके राइटर थे मिस्टर LUC, लुक के नाम से, या लूक के नाम से, ये चाइनीज हैं। इन्होंने अपनी किताब में दो तरह के VPN मॉडल का डिस्कशन किया है, एक पीयर टू पीयर। 15 मिनट के बाद हम SD1 पे पहुंचेंगे ताकि बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, ताकि ये पता लगे हम जो पढ़ रहे हैं कोई चीज नई नहीं है, उसमें टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी गई है और उसको आसान कर दिया गया है। पीयर टू पीयर एक मॉडल होता था, और एक मॉडल होता था ओवरले मॉडल। इन दोनों में ये डिफरेंस होता था कि पीयर टू पीयर में जो कनेक्टिविटी थी, जो कि PE टू CE के बीच में होती है, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो ISP है। ISP कनेक्टिविटी को देखेगा PE टू CE के बीच में, और उसमें कोई इशू होगा तो इसको रिजॉल्व करेगा आपकी साइड से, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी। और दूसरा ये था कि जो ISP है वो प्राइवेट नेटवर्क ID जो कस्टमर्स की हैं उनकी अंदर भी इन्वॉल्व होगा। ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कस्टमर्स प्राइवेट नेटवर्क IDs। इसका एग्जाम्पल मिस्टर लूक ये देते हैं कि ये MPLS है, जिन लोगों ने MPLS पढ़ा है उनको ये मालूम है कि MPLS में एक क्लाउड होगा, और यहाँ पर एक PE राउटर होगा, और यहाँ पर एक PE राउटर होगा, और ये CE राउटर होगा। इस CE राउटर के नीचे आपकी प्राइवेट NID एग्जिस्ट करती है, और ये जो नेटवर्क IDs हैं हम एक दूसरे के पास डायरेक्टली नहीं भेजते,
यहाँ पर वीआरएफ बने होती है, हम अपनी नेटवर्क आईडी को यहाँ भेजते हैं, यहाँ बीजीपी चल रहा होता है और ये आपके पास नेटवर्क आईडी आरटीआरडी लगाने के बाद इसमें आरडी सेट की जाती है, इसके अंदर आरटी सेट की जाती है, राउट टारगेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फंडामेंटल होता है और ये यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाती हैं तो ये इधर बीजीपी चल रहा होता है और इसमें रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद टनल के थ्रू निकल के यहाँ इम्पोर्ट कर ली जाती है। तो जहाँ पर भी हमने अपनी इस प्राइवेट एनआईडी को भिजवाना होता है वो हम आईएसपी को कंसेंट करेंगे और वो आईएसपी उस जगह पर भेज देगा। तो हमारी अगर कोई राउटिंग टेबल नहीं जा पा रही है, आपके कोई भी नेटवर्क आईडी नहीं जा पा रही, तो उसके लिए भी आईएसपी रेस्पॉन्सिबल है। हम आईएसपी को पेमेंट कर रहे हैं लिंक की भी और हमारी प्राइवेट नेटवर्क आईडी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी मैनेज उसी के थ्रू किया जा रहा है। तो ये पीयर टू पीयर मॉडल है। ओवरले मॉडल का कॉन्सेप्ट मिस्टर लू किए कहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ये है ओवरले का कि इसके अंदर आईएसपी इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिविटी, केवल कनेक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आईएसपी विल नॉट पार्टिसिपेट इन कस्टमर प्राइवेट नेटवर्क आईडी। ओवरले मॉडल का एग्जाम्पल मिस्टर लूक ने दिया है, इसको हम जीआरई कहते हैं। जीआरई के अंदर कस्टमर क्या करता है कि अपनी नेटवर्क आईडी को प्राइवेट को खुद मैनेज करता है। यहां पर वो क्लाउड आ जाता है, ये पी हो जाते हैं, नीचे ये कस्टमर के रूटर सी हो गए। आईएसपी ने केवल यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर दी है। ये जीआरई के केस में पीई कहलाते हैं, बट एमपीएलएस के केस में यही जो पी होते हैं ये एज एलएसआर कहलाते हैं, लेवल स्विच राउटर। सी की टर्मिनोलॉजी वही रहती है। जीआरई के अंदर आईएसपी यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करेगा, ये रीचेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ये जो क्लाइंट होता है अपनी टनल जो है खुद बनाता है, जो कि जी आर ई मैनुअल टनल कहलाती है। सुमित, आपने पोलो अल्टो के लिए अगर लॉगिन किया है तो आमिर सर को कॉन्टेक्ट कर लें, और अगर एसडीवन की क्लास चाहिए तो मेरे साथ में अटैच है। सर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एसडीवन के साथ। ठीक है, तो यहां से ये जो प्राइवेट एनआईडी है यहां से इसका अपडेट निकल कर यहां चला जाता है, और जब ट्रैफिक वहां से आना होता है तो यहां से जब ट्रैफिक आएगा, ये डॉटेड वाला आपके पास ट्रैफिक है, जब ये ट्रैफिक यहां पर आएगा येलो कलर का ट्रैफिक है, तो ये भी इसी टनल के थ्रू आएगा। वैसे तो टनल जो हमारे पास बन रही है वो प्रैक्टिकल जो टनल सोर्स ये रहता है, डेस्टिनेशन रहता है, टनल बनती तो यूं ही है, वाया इंटरनेट क्लाउड ही जाएगी। एक भी अगर लिंक में राउटर डाउन हो गया तो कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी, बट डिस्प्ले ऐसे किया जाता है। तो इस केस के अंदर जी आर ई के अंदर वी आर नॉट सेंडिंग अवर प्राइवेट एन आई डी टू दी आई एस पी, तो इसमें आई एस पी को हम नहीं भेज रहे, हम डायरेक्टली अपनी एक साइट से दूसरी साइट पर खुद कैरी कर रहे हैं। जबकि एमपीएलएस का मॉडल ये कहता है, जिसको पीयर टू पीयर कहते हैं, कि हम अपनी नेटवर्क आईडी किसको भेजेंगे, आईएसपी के पास भेजेंगे, और आईएसपी फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। अब ये समझाना इसलिए जरूरी था, इनका कहीं ना कहीं यूज आगे है। अब यहाँ पर एक चीज देखें, जिन लोगों ने जीआरई पढ़ा हो या जिन लोगों ने एमपीएलएस पढ़ा हो, तो यहाँ पर जीआरई के अंदर और एमपीएलएस के अंदर एक बात तो तय है
कि ना तो ये सिक्योर है, MPLS इज नॉट सिक्योर, और ना ही ये सिक्योर है, GRE इज नॉट सिक्योर। इसके ट्रैफिक को हम स्निफ कर सकते हैं ISP के किसी भी राउटर के ऊपर, चूंकि जा तो वहीं से रहा है। अब GRE के बाद एक और नेटवर्क आया जिसका नाम है DMVPN। DMVPN से काफी रिलेट करता है हमारा SD-WAN का नेटवर्क। GRE को क्यों हटाया गया? GRE के साथ ड्रॉबैक ये है कि इसमें दोनों ही पॉइंट के ऊपर हमें क्या चाहिए, पब्लिक स्टैटिक आईपी चाहिए। यहां पर भी पब्लिक आईपी तो चाहिए चाहिए, बट वो स्टैटिक भी होना चाहिए। दैट विल इंक्रीज दी कॉस्ट। अगर आपके पास एक ब्रांच नहीं, मल्टीपल ब्रांच हो जाए, तो वो कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, और दूसरी साइड से पब्लिक आईपी एड्रेस को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। आने वाले जनरेशन के लिए आईपी एड्रेस खत्म होते चले जाएंगे। तो DMVPN का कॉन्सेप्ट लाया गया। DMVPN डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN है। तो इस केस में यहां पर जो क्लाउड बनता है ये DMVPN हो गया, और इस DMVPN ने CCI की लैब में जो फ्रेम ले आता था ट्रेडिशनल, उसको हटा दिया। जो फंक्शन आपके पास फ्रेम ले के ऊपर होता था, हब एंड स्पोक के ऊपर, वो फिर DMVPN ने प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एक राउटर हमने हेडक्वार्टर लगा दिया, और यहाँ पे मल्टीपल हमने ब्रांच लगा दिए, ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री। इस डायग्राम को ध्यान से समझना, ऐसे ही डायग्राम कुछ SD-WAN का बनेगा। इसमें कुछ और बातें हो रही हैं, बट उसके रेस्पेक्ट वहां पे कुछ और चीजें होंगी। ये इसके लैन है जहां पे प्राइवेट नेटवर्क आईडीज चल रही हैं, प्राइवेट नेटवर्क आईडीज हैं। यहां पर ये इसकी प्राइवेट NID हो गई। जो DMVPN है उसका कहना ये है कि ये जो नेटवर्क है, यहां पर इतने नेटवर्क को जहां पे मैंने डॉट लगाए हैं, ये नेटवर्क कहलाएगा अंडर ले नेटवर्क। यानी जो ISP है बेसिकली वो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो चाहे आपका किसी भी कनेक्टिविटी से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर SD-WAN में जो हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे विप्टेला के, एक साइड में कंट्रोलर्स रखे होंगे, थोड़ी देर में देखेंगे, एक साइड में VIG या CH डिवाइस रखी होंगी, तो उनकी जो कनेक्टिविटी होगी वो ट्रांसपोर्ट से होगी, और ट्रांसपोर्ट को हम अंडरले नेटवर्क से पुकारेंगे। इसी तरीके से SD-WAN में, इसमें DMVPN में ये जो प्राइवेट नेटवर्क IDs हैं, यहाँ जो प्राइवेट नेटवर्क IDs हैं, ये जो प्राइवेट नेटवर्क IDs हैं, इनका नाम है ओवरले नेटवर्क, ओवरले नेटवर्क। ये ओवरले आपके पास नेटवर्क है, ये सारी ओवरले नेटवर्क है। हमारा जो पर्पस है वो है कि ओवरले जो नेटवर्क है उसकी कनेक्टिविटी ओवरले से की जाए विद द हेल्प ऑफ अंडरले नेटवर्क। तो इसमें जो DMVPN में कॉन्सेप्ट होता था, यहाँ पर जो हेडक्वार्टर वाला राउटर होता था उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल चलता है। DMVPN में दो चीज एक्स्ट्रा चलती हैं, एक का नाम होता है MGRE जिसको हम मल्टी पॉइंट GRE बोलते हैं, और दूसरा होता है NHRP, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो हम इसकी हेडक्वार्टर की साइड में हम चलाते हैं MGRE, मल्टी पॉइंट GRE, एंड यहाँ पर आप GRE से भी काम चला सकते हो। यहाँ MGRE भी हो सकता है, बट कम से कम GRE पे भी आप काम चला सकते हो। जो टनल हमारे पास फॉर्म्ड होगी,
अगर हम सिर्फ जीआरई की बात करते और एमजीआरई का कॉन्सेप्ट नहीं होता, केवल हम जीआरई पर ही होते, और हमारे पास जो है मल्टीपल ब्रांचेस अगर आपके पास होते तो हमें एवरी टाइम क्या करना पड़ता। अगर 100 ब्रांच होती तो अगर 100 टाइम्स अगर हमने ब्रांच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन किया होता तो हमें 100 टाइम उसके लिए हेडक्वार्टर पे भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता। लेकिन एमजीआरई के अंदर हेडक्वार्टर पर जितनी भी ब्रांचेस आप लेकर आ रहे हैं, जितनी भी ब्रांचेस आप बीआरएन लेकर आ रहे हैं, इनके लिए हमें इसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा कमांड नहीं चलानी पड़ती। हमें सिर्फ 4 कमांड यहाँ पे डालनी पड़ती हैं। टनल का आईपी एड्रेस देना पड़ता है, ये टनल आपके पास बन गई। ये टनल आपके पास हमने बना दी वन, ये टनल यहाँ पर भी वन बना दी आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास टनल वन हो गई, इधर भी आपके पास टनल वन हो गई। तो टनल का आईपी एड्रेस यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, टनल का सोर्स हम डिफाइन करेंगे अपना इंटरफेस या अपना आईपी एड्रेस, बट टनल डेस्टिनेशन हम डिफाइन नहीं करते। हम एमजीआरई के अंदर टनल डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं करते, टनल डेस्टिनेशन की जगह पे हम एमजीआरई डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक ब्रांच पे टनल का सोर्स और टनल का डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ता है। अब इसको प्रीफर क्यों किया जाता है, उसका रीजन ये कि यहां तो हमें चाहिए पब्लिक स्टैटिक। जीआरई कहती थी ब्रांच के ऊपर भी पब्लिक स्टैटिक दो, लेकिन डीएमवीपीएन सेज कि पब्लिक तो बट डायनेमिक चलेगा। तो डायनेमिक की कॉस्ट आपको पता है कि 10 रुपए के अंदर भी आप इंटरनेट चला सकते हो। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस 5000 रुपए चाहिए उसको एक आईपी के लिए। तो यहां पर आपके पास पब्लिक डायनेमिक आईपी एड्रेस है, जीआरई को दोनों साइड पे स्टैटिक चाहिए होता था। तो एक तो विद रेस्पेक्ट टू आईपी एड्रेस ये पैसे कम खर्च होंगे, दूसरा ये कि जितनी भी ब्रांचेस आप ऐड करते चले जाएं, हेडक्वार्टर के राउटर पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है 3-4 लाइन की बस। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहां पर अगर ये राउटर जो है ब्रांच का राउटर अगर ये डाउन हो जाता है और अप होकर आता है, तो पब्लिक डायनेमिक आईपी एड्रेस का मतलब हो गया कि इसका आईपी एड्रेस जो है चेंज हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये जितने भी ब्रांच होंगे ये डीएससीपी क्लाइंट होंगे, ये डीएससीपी क्लाइंट होंगे, और ये यहां पर जो राउटर्स इनको एड्रेस मिल रहा होगा आईएसपी के साइड से, वो डीएससीपी क्या होंगे, सर्वर होंगे। तो जीआरई टनल में एक कॉन्सेप्ट था कि दोनों साइड से टनल सोर्स और टनल डेस्टिनेशन पड़े हों। इसको अपना टनल का जो आईपी एड्रेस है बार बार इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब बार बार इसको देना पड़ेगा। तो डीएमवीपीएन में करने की जरूरत ही नहीं है, हेडक्वार्टर में कमांड पड़ेगा टनल के ऊपर जाने के बाद टनल का आईपी एड्रेस, टनल के आईपी एड्रेस के बाद टनल का मोड जीआरई, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो एनएचआरपी है उस एनएचआरपी को हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर एक्टिवेट कर देंगे। आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी के नाम से होता है, इसको हमने यहाँ पे एक्टिव कर दिया। इस एनएचआरपी को यहाँ पर भी हमने एक्टिव कर दिया आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी के थ्रू। अब जो भी डिवाइस ऑन होकर आती है एनएचआरपी के अंदर, इनको एनएचआरपी की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है नेक्स्ट हॉप सर्वर या एनएचआरपी सर्वर, और इसको कहा जाता है एनएचसी। इस एनएचसी को आप ये समझ लें कि ये विपकेला की डिवाइस है वहां पर, या आपके पास सीई डिवाइस है, सिस्को की डिवाइस, सिस्को एज है या वी एज है। और यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है इसको वहां के रेस्पेक्ट में मान लें कि एक कंट्रोलर है, जहां पर हर एक वी एज और सी एज ने अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो डीएमवीपीएन के केस में वैन एवर एनी डिवाइस विल कम्स अप फर्स्ट टाइम पे आप आती है, या लिंक डाउन हो गया था तो दोबारा से आप आती है, तो ये अपने आप को इट विल रजिस्टर्ड ऑन दी नेक्स्ट हॉप सर्वर, जिसमें भेजती है
NHRB रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, NHRB रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, जिसमें ये बताती है कि माई करंट IP इज दिस वन, माई करंट IP इज दिस वन, मेरा करंट IP एड्रेस ये है और मेरी जो टनल का जो IP एड्रेस है आपके पास ये है, मेरी प्राइवेट NID है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास ये जाएगी बाद में, ये वाली टनल की IP एड्रेस और ये IP एड्रेस, दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन ये क्या करती है, इसको बताती है। और यहाँ पर ये इसको ये भी बताती है कि मेरे लिए जो आप टनल बनाना वो टनल टेम्परेरी बनाना, परमानेंट नहीं बनाना, हो सकता है कि मेरा लिंक अगर डाउन हो जाए तो मैं दोबारा से फिर रिक्वेस्ट भेजूँ, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो इसके अंदर DMVPN में टनल बनती है वो 2 घंटे के लिए बनती है और ये अपने आप में 2 घंटे से पहले उसको रिलीज नहीं करता है, बट यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि अगर हम दोबारा से अगर आते हैं, चाहे जितनी बार भी आएँ, आपने पुराने वाली टनल्स को हटा देने का है, उसको डिलीट मारने का है, नई वाली से बनाने का है, तो एवरी टाइम जब भी कोई डिवाइस अपोर्क होकर आएगी DMVPN में वो अपने आप को इसके पास रजिस्टर्ड करती है। तो ये यहाँ से जो बनती है वो स्टैटिक टनल बनती है DMVPN में और यहाँ से जो बनती है वो आपके पास डायनेमिकली बन रही है, क्योंकि इसको नहीं पता, हेडक्वार्टर को नहीं पता व्हाट इज दी IP एड्रेस ऑफ दिस वन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो हर एक डिवाइस का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड करती है। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर को टनल सोर्स तो डालने की जरूरत होती है, टनल डेस्टिनेशन डालने की जरूरत ही नहीं, अगर 100 ब्रांच होती तो 100 टाइम्स उसको टनल डेस्टिनेशन डालना पड़ता, उसमें उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जब हम DMVPN की बात कर लें या किसी की भी कर लें, जितना भी आपके साथ में डिस्कशन हुआ इसमें एक ही काम हो रहा है, सब में कॉमन टास्क क्या हो रहा है, सब में कॉमन टास्क ये हो रहा है कि प्राइवेट नेटवर्क ID को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। MPLS जो कहलाता है वो आपके पास प्राइवेट वैन कहलाता है, इसके थ्रू भी हमारा काम यही हो रहा है कि प्राइवेट NID को दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। GRE के केस में भी हमने यही किया कि प्राइवेट NID को दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। DMVPN के अंदर भी हमने यही किया कि यहाँ पे प्राइवेट NIDs हैं, इनको ब्रांच या हेडक्वार्टर पर लेके जा रहे हैं। बहरहाल किया हमने, सब में यही काम किया, सेम टू सेम, बट इन सब के अंदर एक ही बात कॉमन है कि DMVPN इज नॉट सिक्योर। इन सब की सिक्योरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, IPsec। जब तक IPsec नहीं लगेगा तब तक कुछ भी नेटवर्क सिक्योर नहीं है, ना MPLS सिक्योर है, ना DMVPN, ना GRE। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर जो है अगर आपके पास 2-4 ब्रांच तो चलो ठीक है, IPsec लगा दी, लेकिन जहां पे 100-200-1000 साइट्स मौजूद हैं, अब वहां पे आप IPsec लगाओगे तो जाहिर सी बात है ह्यूमन एरर तो होनी होनी, इंसान है गलती तो करेगा, कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठेगा, कॉपी पेस्ट भी मारेगा तो फिर IP एड्रेस कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे नेटवर्क को सिक्योर करने में वक्त लगना है और दूसरा एरर होनी है तो और ट्रबल शूटिंग में लगना है, परफॉर्मेंस डिग्रेड होनी है। जब हम IPsec की बात करेंगे तो उसकी क्या नाम है SD-WAN की, तो हम देखेंगे उसका पर्पज भी यही है कि प्राइवेट नेटवर्क ID को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आया जाए। लेकिन जो SD-WAN है इनमें से कौन सा मॉडल यूज करता है, ये जो मॉडल है MPLS ये पीयर टू पीयर है, हम ISP को सब कुछ सौंप देते हैं कि भाई हमारी नेटवर्क फला जगह पहुंचा दो, वही RTE इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। GRE ओवरले मॉडल है, इसमें हम क्या करते हैं हम खुद अपनी नेटवर्क को भेजते हैं। DMVPN भी ओवरले मॉडल है, इसमें भी हम अपनी खुद नेटवर्क जगह से दूसरी जगह यूज करते हैं। तो SD-WAN यूज करता है आपके पास कौन सा मॉडल, ओवरले मॉडल। SD-WAN में SD-WAN के अंदर ओवरले मॉडल यूज किया जाएगा जिसमें कस्टमर अपनी नेटवर्क को अपनी मर्जी से जहां चाहेगा वहां भेजेगा। ISP में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ISP केवल SD-WAN में ट्रांसपोर्ट है, वो केवल ट्रांसपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरी बात, यहां पर
आईपी सेक बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड है, सबसे बड़ी मुसीबत है। आईपी सेक बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड है, कोई पैरामीटर सेट नहीं करना पड़ेगा। फेज वन फेज टू है, आई आपके पास जितने पैरामीटर्स से ऑथेंटिकेशन के, इनक्रप्शन के, डीएफ के, कुछ नहीं सेट करना आपने, तो अपना एसडीवन पे टिक टिक करना है, अब वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा आसान काम हो गया कि आपको हर एक टनल को सिक्योर करना पड़ता। चलो हेडक्वार्टर पे एक बार करते, ब्रांच पे तो मल्टीपल बार करना पड़ता हर एक जगह जाके, तो वो सारा का सारा उसने बचा लिया सिक्योरिटी के साथ। और ना हमने अपनी नेटवर्क किसी को देनी पड़ रही, ना हमें कोई ऐसा रूल करना पड़ रहा कि साहब जैसे उसके अंदर MPLS में आपने ये प्रोसीजर किया था कि भाई वहां पे राउट टारगेट फिट करेंगे, राउट टारगेट लगाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो, और वहां से बोल देंगे इंपोर्ट कर दो। तो यहाँ पे भी आपके पास एक टाइम लग रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के अंदर, तो यहाँ पर भी आपके पास बड़ा आसान सा काम है, वो खुद आपके पास चली जाती है बिना RT इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए हुए। जिसको आप चाहते हो रोकना, उसके लिए आपको जैसे CCNP के अंदर आपने पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं राउट फिल्टर का कॉन्सेप्ट, तो राउट फिल्टर के थ्रू यू कैन फिल्टर योर नेटवर्क आईडी जहां आप भेजना नहीं चाहते हैं, वो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, एक डिस्कशन तो ये हो गया डिफरेंस जो वहां पे हम देखेंगे कि IPsec वहां पे बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड होगी, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा आपके पास ये हो गया कि हमें जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये फंडामेंटल नहीं करना पड़ेगा वहां पे। इसके बाद हम चलते हैं CCNP सिक्योरिटी, अगर कुछ लोगों ने पढ़ा है तो एक टर्म वहां पे हम सुनने को मिलता था, या MPLS भी लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे एक टर्म होता था कंट्रोल प्लेन और एक डेटा प्लेन और एक मैनेजमेंट प्लेन। तीन प्लेन के बारे में जिन लोगों ने सिक्योरिटी थोड़ी सी टच की है, तीन प्लेन के बारे में आपने सुना होगा, इनको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्योंकि इनका भी रोल SD-WAN में है। देखें, मेरे पास जो है एक राउटर है, एक ये दूसरा राउटर है R1 और R2, ये फिजिकली मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये एक मशीन है A और एक मशीन है B। मैं ये चाहता हूं कि ये IP एड्रेसेस इस राउटर पे और इन डिवाइसेस के ऊपर अप्लाई करूं, तो मैं कौन से प्लेन पे काम कर रहा हूं? अगर इफ आई एम कॉन्फिगरिंग दी राउटर 1 और राउटर 2 या कनेक्टिंग डिवाइस मैं कर रहा हूं, तो कौन सा प्लेन पे काम कर रहा हूं? कंट्रोल प्लेन पे काम कर रहा हूं, डेटा पे या मैनेजमेंट प्लेन पे? IP मैनेजमेंट पर, राइट? तो ये हम काम कर रहे हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम कर रहे हैं, चाहे वो IP से रिलेटेड हो, मास से रिलेटेड हो, राउट से रिलेटेड हो, या आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड हो, ये जितनी भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ये किसके अंडर में आ रहा है? ये मैनेजमेंट प्लेन के अंडर में आ रहा है। पालो ऑल्टो में अलग से एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है, पता होगा, चेक पॉइंट में भी होता है। तो यहां से अगर हम कोई भी काम राउटर पर कर रहे हैं और वो उस टू दी बॉक्स है, बॉक्स के से बाहर नहीं जा रहा है, तो हमने IP डाले राउटर पे, कुछ प्रोटोकॉल्स लगाए, तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट प्लेन है। अब लेट से सपोज मैनेजमेंट प्लेन के अंदर हमने क्या किया, राउटिंग प्रोटोकॉल में OSPF लगा दिया। तो जब OSPF इस डायग्राम पे लगा दिया गया तो क्या होगा, अब एडमिनिस्ट्रेटर का काम खत्म हो गया। अब ये राउटर R1 राउटर इसको और R2 राउटर इसको क्या करेंगे, हाय हेलो भेजेंगे, और उसके बाद ये जब नेबर बन जाएंगे तो अपनी नेटवर्क आईडी ये इसको भेज देंगे LSA,
और ये इसको भेज देंगे। तो ये जो राउटर एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, किसकी, जिसको हम OSPF डेटाबेस बोल रहे हैं या TOPOLOGY टोपोलॉजी बोल रहे हैं, ये किसका पार्ट है, कंट्रोल प्लेन का, यानी जो ये आपके पास EXCHNG एक्सचेंज ऑफ टेबल्स हो रही हैं आपके पास, ये किसका काम है, कंट्रोल प्लेन का काम है। तो कंट्रोल प्लेन के अंदर ये सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे से जो इंटरेक्ट कर रही हैं, जो हमें नजर आ रहा है किसके अंदर, शो आईपी राउट के अंदर। तो शो आईपी राउट के अंदर जितने भी रूट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन सारे ही राउट से जाएगा। शो आईपी राउट जो डिस्प्ले करता है वो क्या डिस्प्ले करता है, RIB राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस को डिस्प्ले करता है। ट्रैफिक कभी भी कंट्रोल प्लेन से नहीं जाता, कंट्रोल प्लेन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह MPLS में एक जो कमांड होता है जिसको हम बोलते हैं शो MPLS LDP बाइंडिंग, उसके अंदर ऑल काइंड्स ऑफ लेबल्स आपको मिल जाएंगे, वो लेबल की टोपोलॉजी टेबल आपके पास हो गई, बट ट्रैफिक उससे नहीं जाता। ट्रैफिक किससे जाता है, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल से जाता है। तो जो आपके पास रिब होती है, उस रिब से हमारी डिवाइसेस कैलकुलेट करती हैं, क्या कैलकुलेट करती हैं, FIB फिब कैलकुलेट करती हैं, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो फॉरवर्डिंग जो इंफॉर्मेशन बेस है, दैट इज द पार्ट ऑफ द डेटा प्लेन, जिसको हम आउटपुट में बोलते हैं राउटिंग में, शो आईपी सेफ के अंदर जो आउटपुट है, इट विल डिस्प्ले दी फिब। तो फिब के अंदर जो है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू ट्रैफिक आपके पास ट्रेवल करेगा। तो यहां पर आपके पास ये दो अगर डिवाइस थी ट्रेडिशनली, तो आप इस डिवाइस को मैनेज भी कर रहे हैं, राउटिंग जो टेबल है हर एक राउटर, यानी आपने दोनों राउटर को कॉन्फिगर किया, यानी दोनों का मैनेजमेंट प्लेन किया, इनकी लोकेशन अलग अलग हो सकती थी, इनके पास आपके पास हर एक डिवाइस को आपने जितनी भी होती वहां से एक जगह से बैठ के मैनुअली टेलनेट करना पड़ता, यूजर नेम पासवर्ड सेट करने पड़ते, फिर दूसरी डिवाइस पे जाते, मल्टीपल डिवाइस पे जाते, इस तरीके से हर एक को कॉन्फिगर करते, फिर वो अपने आप नेबर एडजेसेंसी बनाती, टोपोलॉजी टेबल को एक्सचेंज करती और फुल टेबल एक दूसरे के पास भेज देती। लेकिन अगर हम ये चाहते कि यहाँ पे जो मल्टीपल नेटवर्क आईडीज हैं, यहाँ पर बी नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क आईडी लेट से ए है, बी है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी सी है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी डी है, ई है, हम ये चाहते हैं कि ये जो नेटवर्क्स हैं इनमें से केवल हमारे पास बी वाली और सी वाली नेटवर्क्स तो आए, हमारे पास ये नेटवर्क नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करते, हम R1 में हमें क्या करना चाहिए था, इफ वी डोंट वांट कि हमारे पास ये वाली नेटवर्क आईडी और ये वाली नेटवर्क आईडी नहीं आए, क्या प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लेन में दूसरे राउटर से ये दो नेटवर्क आईडी ना आए, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा हमें राउटिंग में, एक्सेस लिस्ट लेना है। एक्सेस लिस्ट किसके साथ में, ACL के तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, राउट मैप के साथ पेपॉल, ACL को अगर हम लगाते हैं इंटरफेस के साथ में, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैकेट फिल्टर। ACL को अगर हम लगाते हैं DISTRIBUT डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ में, तो ये कहलाता है राउट फिल्टर। प्रीफिक्स लिस्ट को अगर हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूट के साथ में, ये कहलाता है राउट फिल्टर। अगर हम प्रीफिक्स को लगाते हैं, प्रीफिक्स लिस्ट को लगाते हैं आपके पास फिल्टर लिस्ट के साथ में, तो ये कहलाता है LSA फिल्टर। अगर हम ACL को लगाते हैं ऑफसेट लिस्ट के साथ में, तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है मैट्रिक को, इन
DVRP, कौन सी चीज लगाऊं इसमें से? मैं नहीं चाहता कि यहां की ये वाली नेट मेरे पास, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए 2110, 2220, 2330, 2440, मैं नहीं चाहता 2440 और 110 मेरे पास आए। चार मेरे पास नेटवर्क आ रही हैं, मैं इनमें से दो को नहीं चाहता, तो इनमें से क्या अप्लाई करूं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या अप्लाई करूं? ACL प्लस इंटरफेस पे लगाऊं, या ACL डिस्ट्रीब्यूट लगाऊं, या प्रीफिक्स डिस्ट्रीब्यूट लगाऊं, या प्रीफिक्स फिल्टर लिस्ट लगाऊं, या ACL ऑफसेट लगाऊं, क्या लगाऊं? दूसरा, तीसरा। दूसरा और तीसरा मुझे ये लगाना पड़ेगा, राउट फिल्टर। तो राउट फिल्टर अगर मुझे लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो कंट्रोल प्लेन है वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। यानी पहले एडमिनिस्ट्रेटर ने हैंडल क्या किया, मैनेजमेंट प्लेन, अब वो हैंडल क्या कर रहा है मैनुअली, कंट्रोल प्लेन। और ऐसे ही आपके पास जो है, हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हर एक की हमें फिल्टरिंग करनी पड़े कि भाई ये वाली जो नेटवर्क है, हमने तो एक राउटर पे लिया ना, दूसरे पे ना जाए, तीसरे पे ना जाए, तो क्या करना पड़ेगा, हर एक पे फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। या इसको हम रिवर्स ये कर लें कि ये अगर हमारे पास हेडक्वार्टर है और R1 ब्रांच है, और इस तरह की बहुत सी ब्रांच मौजूद है RN, तो हेडक्वार्टर की ये वाली नेटवर्क हर एक जगह ना जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें वक्त लगेगा। अच्छा, ये हो गया आपके पास कंट्रोल वाला प्लेन। डेटा जो प्लेन है आपके पास, ये क्या है, जब आपकी राउटिंग टेबल में रूट्स आ गए और अब जो ट्रैफिक जाएगा, यानी अब ए जो बी से कम्युनिकेट करेगी, ए मशीन जो बी से कम्युनिकेट करेगी रूट आने के बाद, तो ये जो ट्रैफिक यहां से जाएगा, ये आपके पास क्या है, ये डेटा प्लेन है, ये डेटा प्लेन है आपके पास। तो जो ट्रैफिक जा रहा है वो डेटा प्लेन है, जो राउटिंग अपडेट्स आ रहे हैं वो कंट्रोल प्लेन है, जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो मैनेजमेंट प्लेन है, और पीछे चलते हैं जो ये DMVPN के ऊपर, ये जो हेडक्वार्टर था इसमें जो डिवाइस अपने आप को रजिस्टर्ड कर रही थी, ये आपके पास ऑथेंटिकेशन प्लेन है, इन SD1 में, नॉट DMVPN में। समझाने के लिए DMVPN बोल दिया गया। तो हमारा DMVPN में एक फैक्टर और बढ़ गया, चार प्लेन हो गए। कौन कौन से प्लेन हो गए? एक वहां पे मिलेगा आपके पास मैनेजमेंट प्लेन, एक होगा आपके पास कंट्रोल प्लेन, एक आपके पास होगा डेटा प्लेन, एक आपके पास होगा ऑथेंटिकेशन प्लेन, या ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन। इसको ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन भी बोला जाता है। तो अब ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन को के लिए क्या कोई स्पेसिफिक डिवाइस है, कंट्रोल प्लेन के लिए क्या कोई स्पेसिफिक डिवाइस है, मैनेजमेंट प्लेन के लिए क्या कोई स्पेसिफिक डिवाइस है? तो यहां पर अगर हम SD-WAN के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, SD-WAN के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, तो उसमें एक टर्म तो आएगा ट्रांसपोर्ट, दूसरा जो टर्म आएगा वो आएगा आपके पास कंट्रोलर, तीसरा जो टर्म हमारे पास आएगा वो आएगा जो VH और CH डिवाइसेस है। यानी जो डायग्राम दिखाया जाता है SD-WAN में, वो ये दिखाया जाता है कि यहां पर हमने वी मैनेजर, ये कंट्रोलर है, वी स्मार्ट, ये कंट्रोलर है, वी बॉन्ड, ये कंट्रोलर है, ये ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन या ऑथेंटिकेशन प्लेन को हैंडल करता है, वी स्मार्ट कंट्रोल प्लेन के लिए यूज किया जाता है, और वी मैनेज ये मैनेजमेंट प्लेन के लिए यूज किया जाता है, डेटा प्लेन डिवाइसेस के पास में रहता है। तो ये यहां पर आती हैं VH और
CH। इन सब की जो कनेक्टिविटी है, कम से कम इंडस्ट्री में दो ट्रांसपोर्ट से तो रखी जाती है, बट मल्टीपल ट्रांसपोर्ट उससे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। MPLS ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, और सेल्यूलर नेटवर्क भी हो सकता है। इसमें हर एक जो कंट्रोलर है वो जितने भी ट्रांसपोर्ट होंगे रिडंडेंसी के प्रोस्पेक्ट से, वो हर एक से कनेक्टेड होगा। इसी तरीके से हमारा जो वी एज है वो भी हर एक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होगा। सर एपी का फुल फॉर्म क्या है, मैं भूल रहा हूँ, ईडीबी में ऑथेंटिकेशन प्लेन या ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन, ऑर्केस्ट्रेशन या। हाँ जी, तो अब ये जो SD-WAN में ये बीच वाला जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, इसका नाम है ट्रांसपोर्ट, TRANS ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। अच्छा, इधर जो ये येलो कलर से मैंने मार्क किया, इधर इन डिवाइस को मैनेज करने के लिए ये MGMT इंटरफेस है, ये भी MGMT इंटरफेस है, ये भी आपके पास MGMT इंटरफेस है, ये भी MGMT इंटरफेस है। MGMT इंटरफेस के लिए अलग से एक, जैसे अच्छा एक चीज और समझे यहाँ पे, क्योंकि टर्म वही हैं जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने VRF पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, MPLS में। हमने VR पढ़ा था किसमें, पालो ऑल्टो में। बाय डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर बना होता है, दैट इज इक्वल टू दिस वन। और हम VPN पढ़ेंगे SD-WAN में, तो कुछ भी नई चीज नहीं है, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। SD-WAN में हम उसको VPN से सेग्रीगेट कर रहे हैं, पालो ऑल्टो में वर्चुअल राउटर से सेग्रीगेट कर रहे हैं, MPLS में VRF से कर रहे हैं। तो यहां पर जो ये इंटरफेस है ये वाला, ये इसका जो VPN नंबर होता है वो होता है 512, फिक्स्ड है। VPN 512 इज रिजर्व्ड फॉर MGMT प्लेन मैनेजमेंट, हर एक का MGMT है। ये MGMT जो इंटरफेस है कौन से इसमें होंगे, VPN 512 के अंदर होंगे। जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, यानी जैसे आपके पास MPLS के अंदर ISP की नेटवर्क IDs अलग रहती हैं, आपकी नेटवर्क IDs VRF में अलग रहती हैं, ऐसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट का जो सेगमेंट होगा वो VPN 512 के अंडर में आएगा। और जो आपकी ये है, क्या नाम है, जहाँ पे मैं डॉटेड लगा रहा हूँ, ये है VPN 0, सारे डॉट जो हैं क्या हैं, VPN 0 के अंदर आएंगे। यानी ऑल दी इंटरफेसेस जिन पे मैंने डॉट लगाए हैं वो VPN 0 पे आएंगे। यानी VPN 0 नोन एज TRANSPORT ट्रांसपोर्ट VPN। VPN 0 क्या है, ट्रांसपोर्ट VPN है, फिक्स्ड है। यानी दो VPN ये फिक्स्ड हैं, VPN 512 फिक्स्ड है और VPN 0 और 512 फिक्स्ड है। तो ट्रांसपोर्ट सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, जो आपकी वेबटेला की डिवाइस VHA और सिस्को की डिवाइस CHA, उसकी कनेक्टिविटी कंट्रोलर से करने के लिए, राइट। तो कंट्रोलर से कनेक्टिविटी करने के लिए वो आपकी क्या कर रहा है, मात्र हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब हमारा पर्पस तो वही था ना पीछे, हम तो वही जा रहे हैं। हमारा पर्पस क्या था, यही प्राइवेट NID को
डीएमवीपीएन का भी फंक्शन वही था, जीआरई भी वही कर रहा था और एमपीएलएस भी तो वही कर रहा था। अब हम फिर पुराने काम पे आ जाते हैं कि हमने अपनी प्राइवेट एनआईडीज को, यहां पर हमारे पास प्राइवेट एनआईडीज बनेंगे, ये हमारे पास प्राइवेट एनआईडीज है, यहां पर हमारे पास प्राइवेट एनआईडीज है। प्राइवेट एनआईडीज के जो वीपीएन बचे वो कौन से वीपीएन रह गए? वो ये वीपीएन हो गए। तो हमारे पास जो वीपीएन है वो 2 की पावर कितनी है? 16 है। कितने हो गए? 65,536 हो गए। उनमें से 512 निकाल दीजिए और 0 निकाल दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो बचे यानी वीपीएन 1 से कहाँ तक? 0 ही हो गया, 511 तक। ये आपके पास क्या हो गए? प्राइवेट हो गए। आप 512 वहां से निकाल दीजिए, 513 से 65,535 तक, क्योंकि जीरो जो रेंज आती है वो जीरो से लेके 65,535 होती है, दैट इज इक्वल टू 65,536। अब हमने इन प्राइवेट नेटवर्क आईडीज को कहाँ लेकर जाना है? एक साइट से दूसरी साइट। तो ये वी एज और सी एज है, ये कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है, ये हेडक्वार्टर में भी होंगी, ये ब्रांच में भी होंगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको टर्मिनोलॉजी कि यहां पर हर एक डिवाइस को जितनी भी साइट्स हैं, वी मैनेज का काम ये होगा कि जितनी भी वी एज और सी एज डिवाइस हैं सबका सेंट्रलाइज पॉइंट से एक ही जगह से क्या करे, मैनेजमेंट को प्लेन को कंट्रोल करे एक ही सेंट्रल पॉइंट से। जो वी स्मार्ट है उसका काम ये रहेगा, लेकिन पीछे जो डिस्कशन किया था इसमें, अच्छा एक अलग से डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर 3 राउटर हैं, बीच में ट्रांसपोर्ट मान लेते हैं, वैसे ही लगाते हैं ताकि कुछ अलग से डायग्राम नजर नहीं आए। ट्रांसपोर्ट को अगर बीच में मैं स्विच लगा दूं टेस्टिंग करने के लिए, लैब में ऐसे लगा दिया मैंने 1.1.1.1.2.3, यहां पे मैंने नेटवर्क डाल दिया 10.1.1.1 10.2.2.2 और 10.3.3.3। अगर मैं इस पे ओएसपीएफ लगा दूं, मैनेजमेंट प्लेन हो गया, ये अपनी टेबल एक दूसरे को भेजेंगे, ये सारे रूट एक दूसरे के पास आ जाएंगे। R1 पे रूट कौन कौन से आ गए? 10.2.2.0 10.3.3.0। R3 पे आ गए 10 आपके पास 110 और 220। इसके ऊपर आ गए 10.1.1 आपके पास 0 और 330। तो ये रूट इन्होंने किसी के थ्रू भेजे या डायरेक्टली भेज दिए? R1 ने R2 R3 को रूट डायरेक्टली भेजे या किसी के थ्रू भेजे? कोई बीच में मीडिएटर था भेजने के लिए? इनकी नेटवर्क आईडी को कंट्रोल करने के लिए कोई था या नहीं था? जी भाई, हाँ जी जी, डेटा प्लेन नहीं, नहीं डेटा तो प्लेन तो वो तो ट्रैफिक पे जाएगा, कंट्रोल प्लेन की बात कर रहे हैं। इनकी जो राउटिंग टेबल है, इसने अपनी राउटिंग टेबल यहाँ भेजी, यहाँ भेजी, बीच में कोई इसको मिला कि रुक जाओ मैं भेजूंगा, ये डायरेक्टली भेज दी इसने? ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट तो आपके पास भेज रहा है, बीच में कोई कंट्रोलर तो नहीं आया ना कि आप रुको मैं भेजूंगा मैं काम करूंगा? नहीं सर, कोई कंट्रोलर नहीं है क्योंकि बीच में स्विच है। इसको एक डायरेक्टली अथॉरिटी है ना भेजने की, आई कैन सेंड डायरेक्टली बीच में किसी। अब आप रिक्शे वाले के थ्रू बैठ के जा रहे हो ना, कहीं पे बैठ के जा रहे हो ना, रिक्शे वाले ये तो नहीं कह रहे ना भाई साहब आप जो सामान लेके जा रहे हो मेरे को दे दो थोड़ा सा, वसूल तो नहीं कर रहे ना कोई चीज आपसे, कुछ रोक तो नहीं रहा ना आपको, 100% अलाउ कर रहे हैं ना आपको, सिर्फ लेके ही तो जा रहे हैं ना। तो यहां पे ये अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली भेज रहे, बट जब ST1 की बात करेंगे तो किसी भी डिवाइस को ये राइट नहीं है कि वो जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली कर सके, मैनेजमेंट प्लेन
ये हैंडल करेगा। किसी डिवाइस को ये राइट नहीं है कि इसने अगर कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये अपनी टेबल, अपनी नेटवर्क आईडी जो कि यहाँ पे 10110 और यहाँ पे 10220 पड़ी है, ये डायरेक्टली इस ट्रांसपोर्ट से निकाल के यहाँ भेज सके नो, इसको ये भी राइट नहीं है। इसका कंट्रोल प्लेन कौन हैंडल करेगा? ये वाला हैंडल करेगा। अब इस चीज को समझते हैं अगले पेज पे। यहाँ से ये सारे ट्रांसपोर्ट हटाए गए क्योंकि बहुत सारी लाइनें बीच में हो गई हैं, वहां केवल एक साइड में ये लिखेंगे कंट्रोलर ना। हम इसका मैनेजमेंट का डिस्कशन करेंगे, ये मैनेजमेंट पार्ट तो अलग हो गया, हम डिस्कशन करेंगे इन डिवाइसेस का अलग से ये बॉक्स बना के, बीच में ये वाले वायर हटा देंगे सारे, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बाउंड, वी एच और सी एच। जो जीआरई था, जो डीएमवीपीएन था, जो आपके पास एमपीएलएस था, उनमें बीच में किसी का कुछ भी कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से सिक्योर था ही नहीं, टोटल अनसिक्योर कम्युनिकेशन। चाहे ट्रैफिक जाए तो भी अनसिक्योर, उससे पहले भी अनसिक्योर, जब तक कि हम कुछ लगाएंगे। इनकेस ऑफ दी एसडीवैन के अंदर क्या होगा कि यहां पर ये जितने भी कंट्रोलर्स हैं, इन कंट्रोलर्स की आपस में एक ट्रस्ट बनेगी जो ऑन दी बेसिस ऑफ दी सर्टिफिकेट होगी। वो कैसे होगा? जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे और वो आपके पास सर्वर कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो जब आप इसका सॉल्यूशंस लेंगे, एसडीवैन का सॉल्यूशंस लेंगे, तो एसडीवैन का सॉल्यूशन देने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, और एसडीवैन कोई एक कंपनी का तो आज की डेट में आ नहीं रहा, ढेरों कंपनी के एसडीवैन है। तो यहाँ पे एसडीवैन, जैसे कि आप जानते हैं कि सिट्रिक्स भी एसडीवैन प्रोवाइड कर रहा है, और सिल्वर पीक के नाम से है, ये भी आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से वेलो क्लाउड भी प्रोवाइड करता है, वर्षा के नाम से भी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से सिस्को का आपके पास मिराकी भी है, हम तो सिस्को का क्या पढ़ रहे हैं, विप्टेला आपके पास पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से और भी हैं, HPB आपके पास दे रहा है, बहुत सारे लोग सॉल्यूशन आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम सिस्को से लेते हैं सॉल्यूशन SD-WAN का, और मैं खासकर विप्टेला की बात कर रहा हूँ, तो हमें बहुत सारे काम नहीं करने पड़ते, सब कुछ करे कराए हमें काम मिलते हैं। जैसे कि एक टर्म होता है सीरियल नंबर की जरूरत पड़ती है, एक टर्म होता है टोकन नंबर की जरूरत पड़ती है, चेसी नंबर की जरूरत पड़ती है। ये सारे सिस्को हमें बने बनाए देता है, डिवाइस में अप्लाइड करके देता है। सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, सर्टिफिकेट भी सिस्को सारे डाल के देता है। अब यहाँ पर हम आपको चूंकि पूरा प्रैक्टिकल दिखाएंगे, सर्टिफिकेट अगर हम जनरेट करना चाहते हैं अपने, तो लोकली कैसे जनरेट करेंगे, सर्वर कैसे बनाएंगे, तो हम आपको सर्वर भी बनवाना सिखाएंगे पहले, जो हमारे पास, जिसको हम बोलेंगे कि सी अथॉरिटी, सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। तो एक ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी से हम अपने जो कंट्रोलर्स हैं, इनको 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 और हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, ये और ये, इन सब को इसी ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी के थ्रू हम क्या करवाएंगे, एक डोमेन में ले आएंगे इनको, इन्हीं के थ्रू इन सब का क्या करेंगे, एक ट्रस्ट बनाएंगे। फिर एक टर्म होगा जिसको हम बोलते हैं आपके पास CSR, क्लाइंट साइनिंग रिक्वेस्ट, ID सर्ट, ये क्या क्या होते हैं, ये सारे के सारे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे मोस्ट और क्रिटिकल जॉब SD-WAN के अंदर है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, जितनी भी ये डिवाइसेस आप देख रहे हैं जो मैंने डिस्कशन की हैं, यहाँ पर ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस है वी मैनेजर यानी वी मैनेज, ये वी स्मार्ट की शक्ल है, रिडंडेंसी में लगा रखें, ये वी बॉन्ड है,
ये वो सर्वर है जिसको हम पहले आपको इंस्टॉल करवाएंगे आपके सामने, इसको सर्वर बनवाएंगे सीए सर्वर। इस सर्वर के जो सर्टिफिकेट हैं जिसको हम रूट सर्ट का नाम देंगे, वो इन सारी डिवाइसेस के अंदर जो कंट्रोलर्स हैं और जो आपके पास ये दुबई ब्रांच में, इंग्लैंड ब्रांच में और चाइना ब्रांच के अंदर आपके पास ही लगी हुई, इनके अंदर डाला जाएगा। फिर सीएसआर जनरेट की जाएगी, क्लाइंट साइनिंग रिक्वेस्ट, फिर एक आईडी सर्ट जनरेट होगा, फिर जाके यहाँ डाला जाएगा। तो इन जितनी भी डिवाइसेस हैं ब्रांच में या हेडक्वार्टर में, इन सब का ग्राफिकल मोड कहाँ पे ओपन होगा? वी मैनेज के अंदर। तो वी मैनेजर जो है, या वी मैनेज जो है, जो मैनेजमेंट करेगा इन सारी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को लगाने के लिए, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे की जाती है। तो इन सारी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, हमने दो ट्रांसपोर्ट ले लिए हैं, तीन ट्रांसपोर्ट नहीं लिए, हमने केवल दो ट्रांसपोर्ट लिए, तो इन ट्रांसपोर्ट से आपकी सारी ब्रांच, यानी चूंकि हमें यहाँ पे आईएसपी भी खुद बनना पड़ेगा, तो हमने जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सारी ब्रांचेस से एमपीएलएस के नेटवर्क की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, और इसी ब्रांच, इन्हीं ही आपके पास ट्रांसपोर्ट से जितने कंट्रोलर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी, दे मस्ट बी रीचेबल, या आपस में रीचेबल हो। ये वैसे ही हो गया कॉन्सेप्ट जैसे कि यहाँ पर इस सिनारियों के अंदर जो भी आपने अभी तक ये किया है, जितना भी पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हम, कोई पुरानी पढ़ रहे हैं, कि यहाँ पे अगर आपने एमपीएलएस किया और आपको यहाँ के रूट यहाँ पहुँचाने हैं, तो भाई ये कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, कैसे पहले पहुँचेंगे तो बाद में ना। ऐसे ही अगर आप जीआरई बनाना चाहते हैं तो आपके इस आईपी की रीचेबिलिटी इसके साथ हो पहले प्रोवाइडर के थ्रू, फिर आप अपनी जीआरई टनल बना के भेजेंगे ना। इसी तरीके से यहाँ पे हेडक्वार्टर और ब्रांचेस के ये वाले जो आईपी एड्रेसेस हैं, ये पहले क्या होने चाहिए? पिंग एबल होने चाहिए, तभी तो जीआरई टनल बनेगी ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, कोई नया कॉन्सेप्ट हम नहीं ले रहे कि इन केस ऑफ द एसडीएन भी आपके जो ब्रांच के, ये जो दुबई के जो वीएज हैं, इनके दोनों जो इंटरफेस हैं, 0/0 और 0/1, इन दोनों आईपी एड्रेस की कनेक्टिविटी में से कम एक कनेक्टिविटी तो आप लेकर आओ, ताकि हमारी कनेक्टिविटी जो है आपके पास हो जानी चाहिए जितने भी ब्रांच हैं उनसे, हेडक्वार्टर से, सारे वी स्मार्ट से और सीए सर्वर से, ताकि हम जो है इनके अंदर सर्टिफिकेट डाल सकें। सर्टिफिकेट डालने के बाद इन सब की मैपिंग कर सकें किसके साथ में, वी मैनेज के साथ में। तो अगर ये सारी डिवाइसेस सर्टिफिकेट डालने के बाद वी मैनेज पर आ जाती हैं, तो उनको बोलते हैं ऑन बोर्डिंग। तो अगर डिवाइस अगर ऑन बोर्डिंग आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आपने 50% मैदान जीत लिया एसडीएन का। अक्सर लोग यही हंगअप हो जाते हैं, इसको डालना भी एक आर्ट है, वो आर्ट आपको आमिर सर समझाएंगे किस तरीके से डाला जाता है। तो सर्टिफिकेट वही डालते हैं, मैं नहीं डालता हूँ, चूंकि सर्टिफिकेट को बड़ी तेजी से डालना है, उसी ही आपके पास फेज में डालना है। अगर आपने सोचा एक डिवाइस पे आज डाल लेते हैं, एक पे कल डाल लेंगे, दो चार घंटे के बाद डाल लेंगे, तो डिवाइस एक्टिव ही नहीं आती, एक साथ ही प्रोसेस करना है सारा डालने के लिए। तो ये जो डिवाइसेस होंगी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो तो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम यहाँ पर आ रहे हैं कि हम ये समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पर जब हमारे पास सिस्को से हम सॉल्यूशन लेंगे, तो हमें ये सर्टिफिकेशन वाले पार्ट का कोई हेडेक ही नहीं रखना है, 100% वो ऑथेंटिकेटेड है ही है सारी की सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे चूंकि अब सर्टिफिकेट वगैरह डालेंगे, तो ये जितने भी जो ये कंट्रोलर्स हैं, ये आपस में सिक्योर टनल्स बनाएंगे, इनके बीच में एक टनल बनेगी, यहां पर भी टनल बनेगी, यहां पर भी टनल बनेगी। जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ वे अधूरी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी वैसी पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास पढ़ाई जाती है, इसलिए जो लोग ज्वाइनिंग करेंगे इसके आगे से ही हम स्टडी करेंगे, याद रहे, ठीक है? जो लोग ज्वाइन करेंगे उनका वीडियो के क्रेडेंशियल बन जाएंगे, वहां से फिर वो नोट डाउन आराम से कर सकते हैं।
ये जो टनल बने, ये सारी टनल हैं DTLS टनल, DTLS टनल। हमने कुछ नहीं किया, एक पैरामीटर चू भी सेट नहीं किया, सब कुछ क्या हो गया ऑटोमेटिकली टनल्स यहाँ पे बन गई। तो ये टनल बनी है या नहीं बनी है, ये प्रूफ कैसे मिलेगा? जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम देख सकते हैं इनकी CLI पे जाके, शो कंट्रोल कनेक्शन, शो कंट्रोल डैश कनेक्शन। इस कमांड के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या DTLS टनल बन गई है कि नहीं बन गई। हमें कोई पैरामीटर सेट नहीं करना, कोई ट्रबल शूटिंग नहीं करनी इसकी, क्योंकि जब पैरामीटर ही सेट नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, हम इसको ना डिसेबल्ड कर सकते हैं ना इनेबल्ड कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास तो कोई राइट ही नहीं बचा। बारिश तेज हो रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं। तो ये DTLS टनल बना। इसी तरीके से वी मैनेज से हर एक जो भी CH डिवाइस होगी या VH होगी, नाम अलग है, ब्रांच पर रखो, हेडक्वार्टर पर रखो, ये भी क्या है DTLS है, ये भी क्या है DTLS टनल है। इसके पैरामीटर क्या होते हैं, कैसे बनती है, कोई क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं मिलने वाला है, सिवाय आप RFC जाके उठा के पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें कुछ पैरामीटर्स ऑन करने के लिए है ही नहीं हमारे पास, बाय डिफॉल्ट ऑन है। ये भी DTLS टनल है, यानी कम्युनिकेशन करने से पहले ही सब कुछ क्या किया गया है, उसको सिक्योर किया गया, इनक्रिप्टेड कर दिया गया है। आपको वायर शायर में कुछ नजर नहीं आने वाला है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये भी DTLS, इसलिए सबको मैंने अलग अलग कलर में ले लिया। इसका मतलब ये रूल थम समझ में आया कि वी मैनेज से हर एक कंट्रोलर के साथ में, और वी मैनेज से VH और CH के साथ में DTLS टनल बनेगी। सिमिलरली वी स्मार्ट भी हर एक दूसरे कंट्रोलर से, और VH CH से क्या करेगा, DTLS टनल आएगा। सिमिलरली वी बॉन्ड का भी यही काम होगा कि वो क्या करेगा, सिक्योर टनल बनाएगा पहले किसके साथ में, सारे कंट्रोलर्स और इसके साथ में, और इन दोनों के बीच में कौन सी टनल बनती है, इन दोनों के बीच में जो टनल बनती है उसका नाम होता है IPsec। हमने किसी भी टनल के लिए एक डॉट भी नहीं लगाना, कोई पैरामीटर ही सेट नहीं। आ गई बात समझ, यहां तक क्लियर है? सिलेबस की तरफ चलते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, सारा कुछ फ्री में नहीं पढ़ेंगे ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर उससे पहले क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या? कर लो जी। अभी ये जो मैनेजमेंट प्लेन है जिसको हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन बोल रहे हैं, आपके पिक्चर में दिखा रहे हैं कि वो क्लाउड बेस्ड है, हमारा ब्रांच जो कनेक्टेड है वो डायग्राम नेटवर्क टोपोलॉजी वाला दिखाएंगे आप एक बार? बिल्कुल दिखाएंगे जी, करेक्ट। यहाँ पर ये जो आपका पार्ट है MPLS और द इंटरनेट, ये मैं अपना लोकल DC मानता हूँ, राइट? ये तो जहाँ तक है ना आपके पास, ये DC है, MPLS और इंटरनेट, ये तो आपके पास वो है, क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट है, आपके डेटा सेंटर तो यहाँ रखे होंगे बैकएंड में सारे के सारे, आप पब्लिक पे थोड़ी होंगे, पीछे जाके होंगे पब्लिक, ये होंगे यहाँ पे। हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो टर्मिनेशन पॉइंट है MPLS का और द इंटरनेट का, वो डेटा सेंटर से ही जनरेट हो रहा है, आप लोकली ब्रेकआउट उसको बोल दिए जो भी बोल दे। अभी ये जो कंट्रोलर ऑर्केस्ट्रेशन पार्ट जो लेफ्ट साइड में जो अपने ऑन द क्लाउड है, तो ये तो इट्स नॉट नेसेसरी कि क्लाउड पर, वो लोकली डेटा सेंटर में भी हम होस्ट कर सकते हैं ना कंट्रोलर? हाँ जी, कहीं पे भी हो सकते हैं, ये एक डिस्कशन करेंगे जब क्लास ज्वाइन हो जाए, ठीक है जी? बहुत कुछ पढ़ा दिया इतनी देर में, बहुत कुछ डिस्कशन कर दिया हमने।
पढ़ेंगे अच्छा काका ये लगा जो देंगे तो काका आते लगा। ब्रांच ऑफिस पर, तो ब्रांच ऑफिस पर जो VA और CA जो डिवाइसेस है वो क्या एक खास पर्टिकुलर पर्पस से विप्टेला या SD-WAN के लिए बिल्ड होता है, या इन सपोज मैं विप्टेला या सिस्को की बात करता हूँ, सिस्को का कोई सा भी मॉडल डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं SD-WAN के कंपोनेंट की तरफ, या उसके लिए पर्टिकुलर वो बिल्ड होता है विथ सच कॉन्फ़िगरेशन कि वो खाली SD-WAN के थ्रू यूज कर सकते हैं उसको? पढ़ेंगे जी कौन कौन से डेवो बॉक्स लगा सकते हैं, कौन सा मॉडल लगा सकते हैं, ये भी पढ़ेंगे। ओके चला बस देख लीजिए क्या क्या होगा। एक और चीज था कि SD-WAN और SD-Network, SDN जिसको बोलते हैं, SDN उसमें तो क्या कंप्लीट अम्ब्रेला हो गया ना, डिफरेंस? उसमें तो हम SD-WAN पढ़ रहे हैं ना केवल। हाँ वही एक थोड़ा सा लिटिल ओवरव्यू दे देते तो, क्योंकि वो मुझे बहुत कंफ्यूज करता है SDN और SD-WAN। अब मैं तो SD-WAN ही पढ़ा सकता हूँ, वही जो मैंने पढ़ा है, पूरे में तो नहीं जा सकता। ये सिलेबस है जिसकी कॉस्टिंग 15,000 है, ये सबको जो है आमिर सर से मिल जाएगा, या मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे नंबर, उस पर मिल जाएगा। कंट्रोलर्स क्या क्या करते हैं वो देखेंगे, अभी अभी सिर्फ ओवरव्यू है। इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं, कौन सी RFCs हैं, कहाँ होस्ट कर सकते हैं, ये कैसे बनाए जाएंगे, कैसे इंस्टॉल किए जाएंगे, इनकी टर्मिनोलॉजी में ये क्या क्या पार्ट हैं सारे के सारे। पॉलिसीज कौन सी हैं, ये लैब के सारे पार्ट्स हैं, क्या क्या कराया जाएगा, सारा ये जो कितने दिन काम के है कोर्स है? ये वीकेंड में जो चलेगा। आपके पास जो बेसिक कोर्स है जिसकी 15,000 कॉस्ट है, इसके इसके अंदर हमारे को 1.5 महीना चाहिए, और इसके बाद एडवांस कोर्स है जिसके अंदर 3 हफ्ते हमें और चाहिए, मतलब 2 सवा 2 महीने के आसपास टाइम लगेगा। तो उसकी क्या कॉस्ट है? नीचे आ जा रही थी कॉस्ट उसकी भी, इसके अंदर इतना डिस्कशन है, इतनी पॉलिसीज हैं बेसिक वाले के अंदर, ये पॉलिसीज कवर्ड होंगी। उसके बाद जो है अगर कोई एडवांस करना चाहता है जिसने ये कर लिया है, तो उसके लिए जो कॉस्टिंग है वो 5,000 एक्स्ट्रा है, अगर किसी ने ये कर लिया है तो। अब कोई डायरेक्टली ये करना चाहे तो उसको पहले पीछे से आना चाहिए, ठीक है ना, पीछे वाला आएगा नहीं, जाहिर सी बात है कर ही नहीं सकता। इसमें CSR लगाया गया है, उसमें CSR नहीं था, उसमें EIGRP भी नहीं था। EIGRP लगाएंगे तो रूट्स नहीं आएंगे, कुछ और करना पड़ता होगा। यहाँ पे आपकी जो VH डिवाइस है वो किसके पीछे है, किसी फायरवॉल के पीछे है, नेटेड डिवाइस के पीछे, जिसमें हम एक पालो ऑल्टो लगाएंगे जो आपने पढ़ा, अभी डायग्राम दिखाता हूँ दूसरा वाला। इसमें विप्टेला डिवाइस की रिडंडेंसी दिखाई गई है, क्योंकि जो डायग्राम आपको दिखाया गया था उस डायग्राम में विप्टेला डिवाइस की रिडंडेंसी यहाँ पे नहीं है, कोई भी डिवाइस आपके पास नेट के पीछे नहीं है, डायरेक्टली है। जो दूसरा जो डायग्राम है वो डायग्राम आपके पास ये है जिसका ये डिस्कशन किया जा रहा है कि यहाँ पे फायरवॉल लगा दिया पालो ऑल्टो, तो पालो ऑल्टो पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, आप लोग जो पढ़ चुके हैं उनको पता है, इसके ऊपर फिर डिगनेट लगाएंगे। डिगनेट लगाने के बाद ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी, फिर इस डिवाइस को, तो ये VH डिवाइस नेट पर हो जाएगा, ये VRRP आपके पास रेडंडेंसी आपके पास हो गया, ये आपके पास टी लॉक एक्सटेंशन, ये इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, ये लिंक की कॉस्ट कट कर देता है। यहाँ पे VRRP में हम देखते हैं तो 4 लिंक लगाए, 2 इस VH डिवाइस के साथ में और 2 इसके साथ में, 4 लिंक यहाँ पे लगे। नीचे वाला टर्की में अगर हम देखते हैं तो हमने केवल 2 लिंक लिए हैं, बट ये 2 लिंक
फोर लिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैसे वो टीलॉक एक्सटेंशन में देखेंगे। एक बड़ी सी लैब है, जैसे उसके अंदर हम SSL VPN की लैब पढ़ते थे, पॉलो ऑल्टो में पड़ी है, या HA की बड़ी लैब है, इस तरह से बड़ी लैब है। सबसे URL फिल्टरिंग हम कर सकते हैं, कौन सी साइट पे जाना है कौन सी पे नहीं जाना है, जैसे पॉलो ऑल्टो के अंदर भी कॉन्सेप्ट है। IPS के फीचर को इनेबल कर सकते हैं, लाइसेंस होंगे सारे फुल फ्लैश ही तभी काम करेगा, लगा के दिखाया जा सकता है। एप्लीकेशन बेस हम ब्लॉकिंग कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन को अलाउ करना है, कौन सी को डिनाई करना है, जैसे कि पॉलो ऑल्टो के अंदर भी कि टेलनेट को अलाउ करना है या आपके पास असिस्ट करना है या किसी और को करना है। अपग्रेडेशन हमें डिवाइसेस का करना हो तो हम एक ही जगह से अपग्रेड कर सकते हैं, सारी डिवाइस के सॉफ्टवेयर को अलग अलग हमें नहीं करना पड़ेगा, वी मैनेज के थ्रू ही कर सकते हैं। जो भी हम काम करते हैं सिस्को में वो कमांड लाइन पे मैक्सिमम करते हैं, इसमें ग्राफिकल करेंगे, बट CLI के थ्रू भी कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाए तो कैसे करेंगे। तो CLI के थ्रू, चूंकि दो तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, या तो फुल्ली CLI होना चाहिए SD-WAN में या फुल्ली GUI होना चाहिए, मिक्स काम नहीं करता। डिवाइस को अगर ग्राफिकल कॉन्फ़िगर कर दिया है और उसको फिर हम कमांड लाइन पर लाना चाहते हैं तो सीधा वो आंसर दे देती है कि ये डिवाइस जो है मैनेज्ड बाय किसके थ्रू है, वी मैनेज के थ्रू, इसलिए हम आपको कोई परमिशन नहीं देंगे चलाने की। तो अगर किसी डिवाइस को फुल्ली कॉन्फ़िगर करना हो तो हम कर सकते हैं, बट वो ऑनबोर्डिंग वहाँ पे आपके पास डिस्प्ले नहीं होगी जाके डिवाइस। तो कैसे CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे कमांड लाइन के थ्रू, वो भी करवाएंगे। इसी तरीके से एक CSV फाइल होगी जिसको हम वी मैनेज से डाउनलोड कर लेते हैं और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके एडिट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। और VPN आपके पास, हमने वहाँ पर एक ही VPN की बात की है, जो ये जो डायग्राम लिया है इसके अंदर फिर हम यहाँ पे मल्टीपल VPN की बात करेंगे और एक VPN को दूसरे VPN कौन किससे कम्युनिकेट कराना चाहे। जैसे उसके अंदर आपने देखा था कि एक MPLS में एक कॉन्सेप्ट होता था, एक तो इंट्रा VLAN कम्युनिकेशन हो, इंट्रा VPN होता था, एक इंटर VPN होता था, एक सेंट्रलाइज VPN होता था। तो सेंट्रलाइज VPN में आपके पास एक और होता हब एंड स्पोक कॉन्सेप्ट होता था कि जिसको भी कम्युनिकेट करना है वो हब के थ्रू करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी इस तरीके से कौन सा VLAN कौन सा वो जो है किस किससे कम्युनिकेट करेगा वो हम यहाँ पे कर सकते हैं VLAN मेंबरशिप के अंदर। फिर QoS कैसे अप्लाई किया जाए, टेस्टिंग तो आप इंडस्ट्री में करोगे टूल के ऊपर, बट QoS कैसे अप्लाई होगा उसके लिए डायरेक्टली अपना ही ना करके पहले मैं आपको थ्योरेटिकल लेक्चर दूंगा कि QoS कैसे अप्लाई होता क्या है, इसमें टॉस और कॉस क्या होती है। वैसे मैं अलग से भी इसका वीडियो ट्यूटोरियल बना रखा है, अलग से इसके 50-60 वीडियो हैं जो कि आप वहाँ पे पेट करके सुन सकते हैं साइट पे जाके। यहाँ पे फिलहाल एक लेक्चर जो है 1.5-2 घंटे का ये डिस्कशन होगा कि QoS जो है किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ कहाँ पर लगता है, कौन से मॉडल है, फिर ये कैसे अप्लाई की जाएगी पॉलो ऑल्टो इसके अंदर SD-WAN के अंदर, ये डिस्कशन हम करेंगे। तो ये सिलेबस है एक्स्ट्रा जो कि 5000 का है और उससे पहले आपके पास सब कुछ वहाँ सिखा दिया गया है। यहाँ पे फिर ये दूसरा डायग्राम हम यूज करेंगे इसके अंदर, इसमें लाइसेंस का तरीका अलग है। यहाँ पर CSR के अंदर जितनी पॉलिसीज हैं URL से रिलेटेड और उससे रिलेटेड वो इस CSR पे हम दिखाएंगे। तो जितना सिलेबस हम कवर्ड कर रहे हैं, ये हमने जो प्राइस रखा है वो प्राइस जो है उसकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, आप इसको सर्च कर सकते हैं बाकी जगह पर कि कौन क्या पढ़ा रहा है। और इतनी साफ सुथरी टॉपोलॉजी आपको किसी के पास भी नहीं मिलेगी और इसकी लैब तब तक नहीं हो सकती है जब तक आपके पास कीज ना हो आपकी पर्सनल। आपके पास हम आपको कीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन्हीं अमाउंट के अंदर, अपनी लैब का एक्सेस भी आपको दे रहे हैं, बट थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा कि उसके अंदर कब आपने लैब करनी है बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में एक ही बंदा SD-WAN की लैब कर सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज सिस्टम की ज़्यादा चाहिए। तो आमिर सर को आप बता देंगे तो आपका टाइम वो कॉपी पे नोट कर लेंगे हर एक के, जहाँ पे आपके नाम हम डायरी में लिखते हैं कि भाई इसको जो है इस दिन इतने बज के इतने मिनट पर चाहिए, आप फ़ोन कर दोगे आमिर सर उसको ऑन कर देंगे, उसके बाद 2 घंटे के बाद दूसरा बंदा उसको एक्सेस कर लेगा। तो इस तरीके से लैब चल रही होती है। तो आपको लैब भी मिलेगी, आपको क्लास भी मिलेगी और आपको आपके पास कीज भी मिलेंगी, क्योंकि बिना कीज के तो काम होते ही।
बाकी सर सारे ये लैब हम अपने डिवाइस पर कॉन्फ़िगर करना चाहें, सेटअप करना चाहें, अपने अपने डिवाइस पर भी आप कर सकते हैं बिल्कुल जी, आमिर से करा देंगे जी 100%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके हार्डवेयर कैपेबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए? वो सारे आमिर सर बताएंगे क्या चाहिए। सर एक चीज और, सर ये जैसे हमारे एचडी वैन है तो सर जैसे बच्चन को हमसे पूछने लगता है तो सर एचडी वैन के बारे में थोड़ा सा लिखा देना, जैसे पता अभी तो नॉर्मल यही पता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वर्चुअल एरिया नेटवर्क है, फिर सर ये बी मैन जो है बी स्मार्ट, ये लिखवाने के लिए तो सारी की सारी वो किताबें नेट पे भरी पड़ी है, वहां से पढ़ लें। मैंने जितना बिल्कुल बेसिक से समझाया है वो सब कंपेयर करके दिखाया है। नहीं सर वो तो सही, सर नेट पर ज्यादा दे रखा आप प्राइमरी जो प्रोस्पेक्ट था बेसिक ये था कि चाहे वो हम जीआरई पे जाएं, चाहे हम आपके पास फ्रेम ले पे जाएं, डीएमवीपी में, सबका मकसद एक ही था कि हम अपनी प्राइवेट नेटवर्क आईडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। वो लोग लेके जा रहे थे बट वो सिक्योर नहीं था, मैंने सारे पॉइंट क्लियर किए। किसी में पैसे ज्यादा लग रहे थे, किसी में टाइम बर्बाद हो रहा था, किसी में अनसिक्योर था, सबके प्लेन अलग अलग थे, सबको अलग अलग मैनेज करना पड़ रहा था, कंट्रोल करना पड़ रहा था, ऑथेंटिकेट करना पड़ रहा था। एसडी वन ने उन सारी चीजों का जो प्लस प्लस पॉइंट थे उनको ले लिया और एक साथ इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे हमें हर डिवाइस को अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं है, एक मैनेजर लगा दिया, वो मैनेजर उन पे निगाह रखेगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन भी मैनेजर पे की जाएगी, टनल्स बन चुकी होंगी, पुश करेगा सारी जगह पे एक साथ, 1000 डिवाइस है, 1000 पे पुश हो जाएगी। अब कैसे वो पुश होगी वो तरीका देखेंगे। आईपी सेक लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट लग गया, वहां पे लगाना पड़ता, टाइम की बर्बादी होती। तो सिंप्लीफाइड वे में सॉफ्टवेयर डिफाइन जो नेटवर्क हो गया वो आपका कुल मिला के क्या कर रहे हैं, आपके टाइम को क्या कर रहे हैं, बचा रहे। बाकी जगह पे क्या हो रहा था, हम सारा का सारा जब मैनुअली कर रहे थे तो हमें आपके पास एक टाइम लग जा रहा था, वो टाइम हमारे सारा का सारा टोटल टाइम क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। ये एस डी वैन का आपके पास फायदा हो रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जा रही है, टाइम आपके पास जो है कम लग रहा है। पहले वाले जो टाइम थे उसमें आपके पास बहुत ज्यादा टाइम आपके पास कंज्यूम होता था। इसमें सारे कंट्रोलर्स को हमने क्या कर लिया, एक साथ ही आपके पास हैंडल कर लिया। तो ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइन जो नेटवर्क हो गया, ये सिंपल सा एक हो गया कि इसके अंदर जो है नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ गई और आपके पास मैनेजमेंट बड़ा आसान हो गया। जो पीवीआर आप लगाते थे पॉलिसीज बेस्ड राउटिंग, वो पॉलिसीज भी हम क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज जगह से लगा सकते हैं। तो एसडी वैन जो है कुल मिला के जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है, मैंने तो कभी खरीदा नहीं, एसडी वैन जो लिखा होता है डॉक्यूमेंटेशन वो लिखा होता है कि सब लेस एक्सपेंसिव होता है, मोर सिक्योर है, प्रोवाइड करता है आपके पास हायर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इनबिल्ट आपके पास आईपीएस मौजूद है तो अलग से आपके पास जो लगाते हैं फायरवॉल्स वगैरह उनके भी आपके पास लगाने की जरूरत नहीं है। और भी सारे फीचर हैं, जैसे कॉन्सेप्ट है ZTP का, जीरो टच प्रोविजनिंग का, कि नया बॉक्स कोई अगर आप लगाते हैं हार्डवेयर तो आप उसके ऊपर एक पॉइंट भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे और वो डिवाइस आपके पास प्लग इन करते ही, नेटवर्क से कनेक्ट करते ही वो ऑटोमेटिकली जाए क्या है कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगी। ट्रबल शूटिंग एक जगह से कर सकते हैं, वी मैनेज से बैठ के रियल ट्रैफिक को देख सकते हैं। तो सिंगल पॉइंट से ही हम ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, रियल ट्रैफिक को देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, पॉलिसिंग बना सकते हैं। पॉलिसी जब बनाते हैं तो पॉलिसी डायरेक्टली पुश नहीं होती है, वो बनाने के बाद वी स्मार्ट को सौंप दी जाती है और वी स्मार्ट आगे पुश कर रहा होता है। तो सब कुछ जो है सेंट्रलाइज कंट्रोल कर लिया, ये आसानी हो गई। नुकसान ये हो गया कि जहाँ पे 30-40 लोग काम करेंगे वहाँ पे 4 लोग काम करेंगे और आपके पास 36 लोगों की नौकरी चली जाएगी, ये इसका ड्रॉबैक है। आ रही बात समझ में? जी सर। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते, बहुत सारे आपके पास यूज होते, अब सब कुछ जब क्लाउड पे डाल दिया जाएगा धीरे धीरे आगे, तो फिर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ऑफिस नोएडा में जाके खरीदूं, क्या करूं? जो काम नोएडा में कर रहा था, पेमेंट दे रहा था ऑफिस की, अब ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं। HCL वाले आपको खाना नहीं खिला रहे, अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको दे रहे हैं, ना आपके हाथों की टूट फूट हो रही है,
जाते थे कहीं ना कहीं चोट लगी जाती थी किसी का, वो भी पैसे बनते थे, सब बचा लिए ना उसने, एसी का खर्चा ही बचा लिया, बिजली का ही बचा लिया, कुल मिला के एमएनसी को फायदा हो रहा है जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, और बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है। आपका वर्किंग जो टाइम्स है, जब से लॉकडाउन लगा है, हर एक का वर्किंग आवर्स बढ़ गए, खुद देख लें चेक करके, पहले 9 बजे जाके काम करते थे, अब 7 बजे बॉस भेज देता है, 24/7 लगा रखा है आपको। तो फायदे टेक्नोलॉजी के भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों तरीके से। फिलहाल एसडीवन की रेस्पेक्ट में तो ये कि इसने आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा दी, कम टाइम में बहुत सारे काम करवा लिए। ठीक है जी, क्लास में ओवर करता हूँ, बाकी हमें सर से डिस्कशन कर लें, जिनको ज्वाइनिंग करना हो टाइमिंग यही रहेगा, या किसी को दूसरे टाइमिंग चाहिए वो भी आप आमिर सर से डिस्कशन कर लें। सर ये इसकी ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे क्या? इसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होती है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है क्लाउड्स पे पड़ जाती है, वहाँ पे आपके यूजर नेम पासवर्ड पड़ जाएंगे, वहाँ से आप इसको 24/7 सुन सकते हैं जब तक आपका कोर्स चलेगा। जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये ही वीडियो आपके लिए खुद चार्जेबल हो जाएंगे, इसलिए हर एक चीज पहले से पता हो, पूछ लिया अच्छा किया, नहीं भी पूछते तब भी बता दिया जाता है। okay. बाकी लोग भी पढ़ाते हैं, वीडियो देते हैं, बट उनके पढ़ाने में और मेरे पढ़ाने में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं, बहुत सारा डिफरेंस है, वो आपने शायद देख लिया, और एक को पता लग गया होगा, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। जैसे फिर सर जैसे क्लास हमारी जैसे क्लास का टाइम खत्म हो जाता है ड्यूरेशन, जैसे वीडियो और देखना चाहते हैं उसमें और पे करना पड़ेगा सर उसके लिए फिर? हाँ जी, उसमें कौन सी नई बात हो गई? ठीक है सर, जब कॉलेज में दाखला 1 साल ले लोगे और अगले साल जाओगे तो फ्री में पढ़ाएंगे कॉलेज वाले, 1 साल दाखला लेके छोड़ देना, एक दिन मत जाना क्लास के अंदर, क्या कर जरूरत है, इम्तहान में जाके फेल हो जाना, यानी याद मत करना, अगले साल फ्री में थोड़ी बैठाएगा कॉलेज वाला, ये बैठाता है नहीं सर, नहीं बस तो मैं क्यों बैठाऊंगा भाई। सर जैसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड जब क्रिएट हो जाएगा तो वहां से वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं सर? नहीं, डाउनलोड की तो परमिशन है नहीं सर, डाउनलोड करोगे हम आपका अकाउंट ही बंद कर देंगे, सील कर देंगे। अच्छा अच्छा, हां जी सर, देख सकते हैं? हां बिल्कुल देख सकते हैं, जो जो हमारे पढ़ 2-3 महीने पढ़ने के बाद ना सीखे, वीडियो देखने के बाद ना सीखे, तो ये बेवकूफी तो मैंने भी की थी 2005 में, मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क खरीदी थी कब, 2006 में, आज तक रखी है ना, किसके पास वीडियो को देखने का टाइमिंग बाद में देखिएगा, जो बंदा सामने पढ़कर 2 दिन पढ़कर 6 दिन प्रैक्टिस ना करे और कोई क्वेश्चन पुटअप ना करे, मैं तो नहीं समझता कि साहब जिंदगी में कभी कामयाब हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, किसके पास टाइमिंग है, मतलब आप जो है जिंदगी भर ये एक ही टॉपिक पढ़ते रहोगे, ये तो जो आप जो एड देखते हैं जो लोग निकालते हैं कि साहब 24/7 और लाइफ टाइम का एक्सेस हम आपको दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट निकाल रहे हैं कि सब कभी भी कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हो कर सकते हो, तो यार किसके पास टाइमिंग बैठा हुआ है कि सीसी या नहीं जिंदगी भर पढ़ता रहेगा, एनपी पढ़ता रहेगा, कुछ और नहीं करना उसने लाइफ, ये तो चमकाने के लिए शेड्यूल है, सो फायदा क्या बेवकूफ बनाने का, सिंपल सा, जब तक आपका हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जब तक आपके पास लैब आप करोगे, कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी इशू है, लैब एसडीवैन की अगर लैब के बारे में अगर गो टू द इंटरनेट एंड फाइंड आउट द लैब कॉस्ट फॉर द एसडीवैन, तो आपको पास 5-6 हज़ार से कम की लैब तो एसडीवन की मिलती नहीं, कहीं पे भी आप चेक कर लें, जैसे कि यूनिनेट है, और दूसरा फ्री प्रिविलेज नहीं मिलता, एक फिक्स पैटर्न बना के देते हैं भाई ये लैब है और इतने की लैब है और इतने घंटे की है, हम आपको लैब का भी चार्ज नहीं कर रहे, एसडीवन की तो लैब भी पेड आ रही है, आप देखें नेट पे जाके, अगर खाबर भट अगर पढ़ा रहे हैं तो वो आपको लैब फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको जस्ट, और अच्छा उनकी जो वीडियो होती है क्या वो वीडियो आपके पास, क्या खाबर भट से बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप? हाँ भाई, भाई ब्रेन डेनिस से, ब्रेन मॉर्गन से, खावर भट्ट से, क्या आप बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोर्स खत्म होने के बाद, डायरेक्टली बात कर सकते हो उनसे, किसी से, ट्रेनर से? जी भाई ना जी सर, वो तो वीडियोस होते हैं, अनवर से तो कर सकते हो ना, अनवर से तो जिंदगी भर बात करते हो, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है सर, फला टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मोस्ट वेलकम, आपकी क्लास हो रही होगी कहीं पे, आप मेरे से पता कर लिए दोबारा से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अब आपको जी मैं तो पूरा कोर्स ही ज्वाइन करूंगा बैठ के एसडीवन का, तो फिर मेरे से बेवकूफ तो कोई भी इंसान नहीं होगा, अब इतना खराब तो नहीं पढ़ाया होगा कि सारे टॉपिक समझ में ना आए हो आपके, अब अक्सर आप लोगों में से पुराने भी लोग हैं उनको पता ही होगा कैसे पढ़ाया जाता है।
तो सारी बातें हर एक को पता है, बाकी अमेरिका से डिस्कशन आप कर लें। किसी का अगर 2 महीने में वीडियो कवर नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, 2 महीने का प्रिविलेज और एक्स्ट्रा उसको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आज ही मिल जाएगा इसका, हमें जो वीडियो का है वो अगर एक्सेस करना चाहें तो आज ही मिल जाएगा। पेमेंट अगर जमा कर दें, लोग मैच हो जाता है तो इसका जो एक्सेस है वो आपको जो है मिल जाएगा शाम तक, क्योंकि वीडियो शाम में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कंटिन्यू क्लास चल रही है, शाम में हम फ्री होते हैं, शाम में क्लाउड के अंदर अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, वो आमिर सर से बात कर ले मतलब और पेमेंट वगैरह जी। और दूसरा जो है जो वीडियो है अजरी, मैंने की नेट पे जाके सर्च करेंगे 2-4 वीडियो और भी आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि साहब की आपकी वीडियो के अंदर ही मैंने बड़े प्यार से पढ़ाया हो ताकि मछली जाल में फंस जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं एसडी वैन के एमपीएलएस की, मेरे ख्याल से 400-500 वीडियो मेरे नेट पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे अनवर आलम एनसीपी और वीडियो क्लास डालने बहुत सारे मिल जाएंगे, एसडी वैन के बहुत सारे मिल जाएंगे। कई लोग तो वीडियो देखकर ही ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, तो कौन कौन है इसके अंदर? पर ये जो पेमेंट होगा उसका आमिर सर का जो बोल रहे हो आप बार बार कांटेक्ट करने के लिए, उनका कांटेक्ट नंबर सेम होगा या अलग होगा? उनका कांटेक्ट नंबर ही मैं जी बोर्ड पे लिख देता हूँ जी। ये जो नीचे वाला नंबर आ रहा है 9910111641, जितनी भी लैब्स में कोई प्रॉब्लम आएगी सीसीएनए से लेके सीसीआई तक, वो सारी हेल्प आपकी आमरसरी करेंगे, छोटे भाई में हम दो ही लोग हैं, तीसरा कोई बंदा नहीं है ऑफिस में। ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिए, इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सिलेबस भी मिल जाएगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या हार्डवेयर चाहिए, कैसे अपने उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सारा तरीका ये बताएंगे। मेरा काम केवल पढ़ाना और लैब कराने वाला। ठीक है जी, चलो जी, ओके बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच, सिलेबस सबको भेज दिया जाएगा, जितना सिलेबस में है वो सारा कवर किया जाएगा। सिलेबस के आगे पीछे भी बहुत कुछ दुनिया होती है, ठीक है, तो जितना सिलेबस है उसी के पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। थैंक यू सर, उतना ही आता है जितना सिलेबस के अंदर है, ठीक, सारी चीजें के लिए। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच।